बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। उसके लिए मैंने ये 2 किलो साग लिया है। उसके सर से मैंने ये पत्ते काट लिए हैं, लगा लिए, तोड़ लिए और इसको अच्छे से पानी से धो लेना, खुले पानी से धोना है ताकि सारी जो रेत है वो बाहर निकल जाए। 2 से 3 से 4 दफ़ा धोया मैंने साग साग को। 2 किलो साग है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा किलो बाथू। पालक भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर ये हरा प्याज है, 1 कप होगा हरा प्याज। 4 से 5 टमाटर हैं और ये 4 से 5 ही हरी मिर्ची है मेरे पास, और 4 से 5 लहसुन के जवे हैं। ठीक है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। हसबे ज़रूरत नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं क्या, अब इसको हम पकने के लिए रखूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है ऊंचा है, लेकिन अभी ये जैसे ही पकता जाएगा, इसको हीट लगती रहेगी, ये नीचे बैठता जाएगा। तो अब इसको जब तक मैं इसको पकाऊँगी, जब तक साग गल जाएगा, इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसको ड्राई होने के बाद इसके पानी को हम सॉरी इस साग को हम पीस लेंगे। तो इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी जब ये सब कुछ पीस वूस लूँगी मैं। ये देखिए, साग जो है बिल्कुल गल चुका था जब, तो मैंने इसको पीस लिया है। मैंने इसको ग्लैंड ब्लेंड किया है हैंड ब्लेंडर की मदद से। ये अच्छे से साग देखें, बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब साग के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको हम ड्राई करने के लिए ये मकई का आटा डालते हैं। तो मकई का अगर आटा नहीं है आपके पास, आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चम्मच है, बड़े खाने के 3 चम्मच मैंने इसके अंदर मकई का आटा रखा है। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, और इसको जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम भूनते जाएंगे। साग जो है ये हमारी पंजाब की सौगात होती है। इसको मकई की रोटी, मक्खन, इसके साथ सर्व किया जाता है, लस्सी भी। पर ये साग देखें अच्छे से भून चुका है। सारा आटा मैंने इसमें डाल दिया था, 3 चम्मच भर के जो आटा था वो सारा इसमें यूटिलाइज हो गया है, और ये साग बहुत अच्छे से भून भी गया है। अब हम तैयारी इसकी तड़के की करते हैं। तड़के के लिए मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने अदरक को जूनियर कटी में काट लिया और लहसुन को चॉप कर लिया। 4 मैंने बड़ी इलायची, गोल लाल मिर्च रखी हुई है, और 1 मैंने हरी मिर्च को यहाँ से दरमियान से कट कर लिया। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 1/2 कप तेल डाल दिया है। देसी घी का भी तड़का लग सकता है आप लगा सकते हैं, और मक्खन का भी। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन और अदरक ये डाल रही हूँ। हम इसको ब्राउन करेंगे। ये देखिए, लहसुन अदरक का कलर आने लगा है। मैं जल्दी से इसके अंदर डाल देती हूँ गोल लाल मिर्च और ये कदर हरी मिर्च। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी खुशबू आ रही है तड़के की। और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे खाने की फाइनल लुक। ये मकई की रोटी है, ये साग है, और साथ में आप इसके साथ मक्खन भी रखें। और मैं आपको टेबल पे मिलूंगी।